हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के निमराना में बीते 11 नवंबर को कुरिया कर्मचारी से बस से नीचे उतारकर करीब 2.5 करोड़ के गोल्ड ज्वेलरी लूट के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसका खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार, उनसे करीब 2.25 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद कर घटना में कामली गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी ने निमराना थाने पहुंचकर मामले का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी ने बताया कि बीते 11 नवंबर को कुरियर कर्मचारी प्रमोद सैनी दिल्ली से जयपुर रोडवेज बस से कुरियर का पैकेट लेकर जा रहा था, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी थी। इस दौरान निमराना और शाहजहांपुर के बीच सीआईएसएफ की वर्दी पहने हुई एक व्यक्ति ने बस को रुकवाया और उस युवक की वर्दी पर पवन नाम लिखा हुआ था। पवन ने प्रमोद सैनी कुरियर कर्मचारी को बस से नीचे उतार लिया और प्रमोद सैनी के पास यह ज्वेलरी के पैकेट में भरी हुई थी। इसकी डिलीवरी जयपुर में की जानी थी। पवन ने वर्दी की धौंस जमाते हुए प्रमोद को मादक पदार्थ का तस्कर बताकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसके बाद रास्ते में पवन और उसके साथियों ने प्रमोद से मारपीट कर ज्वेलरी लूट ली और उसे जयपुर के पास पटक कर फरार हो गए का मामला थाने में दर्ज हुआ था, जिसको लेकर 5 टीमें गठित कर प्रमोद सैनी से पूछताछ की गई तो वह संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने सीआईएसएफ से बर्खास्त सब इंस्पेक्टर हरियाणा निवासी को गिरफ्तार किया, जिसका हिमाचल में बहुत बड़ा मिनरल वाटर का प्लांट है, जिसको गिरफ्तार किया। एक कुरियर कर्मचारी सहित मुखबिर करने वाले सहित पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार कर लगभग 2.25 करोड़ की माल बरामद किया, जो इन्होंने वारदात में कामली गाड़ी भी जब्त कर लिया है। इसमें और भी शामिल है जिनकी पहचान कर लिया गया, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 आरोपियों से पूछताछ किया जा रहा है। आपके क्षेत्र की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज टुडे। विगत 10 नवंबर और 11 नवंबर की दरमियानी रात को दिल्ली हाईवे पर एक लूट की वारदात प्रकाश में आई थी, जिसमें करीब 2.55 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जाना मुफ्तीस ने लिखवाया था। जैसे इस घटना की सूचना मिली, रात को पुलिस कंट्रोल रूम पे बस के कंडक्टर ने बताया था कि कुछ संदिग्ध गतिविधि हुई है, वर्दी में कुछ लोग आए हैं, गाड़ी को रुकवाया है और उसके बाद बस में सवार एक व्यक्ति को लेके गए, जिसके पास कुछ बैग्स थे और उसमें उन वर्दी वालों ने बताया कि इसमें कुछ आपत्तिजनक सामग्री है, नशे का सामान हो सकता है, इस तरह करके उठा के लेके गए। पुलिस ने इस सूचना में रात्रि में नाकाबंदी भी की थी, लेकिन इसके अलावा पुलिस के पास औपचारिक रूप से सूचना पीड़ित वर्ग द्वारा दोपहर तक नहीं की गई। फिर बाद में पुलिस ने अपने प्रयासों से मुस्तकिस को जो है ढूंढा और उसको थाने पर बुलवाया। उसकी रिपोर्ट पर हमने लूट का मुकदमा दर्ज किया था और लूट के मुकदमे की तफ्तीश जो है विशेष दस्ते बना के, पुलिस के भिवाड़ी पुलिस के विशेष दस्ते बना के अलग अलग दिशाओं में हमने प्रयास किए। इस पूरी वारदात के खुलासे में जो हमारी बिल्कुल टीम भावना के रूप में पूरी पुलिस ने, जिले की पुलिस ने काम किया, इसमें खास तौर पर एडिशनल साहब के नेतृत्व में महावीर सिंह जी वृत्ताधिकारी बैरोड, लोकेश स्थानीय सीओ यहाँ के, सांझापुर थानाधिकारी, निमराना थानाधिकारी, चौपान की थानाधिकारी, मांडन थानाधिकारी, खैरतल थानाधिकारी और उनके साथी स्टाफ ने, डीएसटी के साथी स्टाफ ने, हमारे निमराना बैरोड के डीएसटी वाले लड़कों ने इसमें बहुत सराहनीय कार्य किया। इसके अलावा हमारे साइबर सेल ने इसमें बहुत सराहनीय कार्य किया और इस घटना का हम जो है बहुत ही शीघ्रता से खुलासा कर पाए हैं। और आज हमने घटना के 3 मुख्य अभियुक्त और करीब 2.25 करोड़ राशि का आभूषण हमने बरामद कर लिए हैं। इसमें हमने बाकी अन्य अभियुक्त भी चिन्हित किए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीमें गई हुई हैं और उनकी भी गिरफ्तारी के सघनता से प्रयास किए जा रहे हैं। शेष माल जो और बचा है
उसकी बरामदगी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस वारदात में मुख्यतः जो है अभी तक जो नोट करने वाली बात है, एक तो इसमें जो मुस्तगीस है वो कोरियर कंपनी का कार्मिक था, जो दिल्ली और जयपुर के बीच में एक कोरियर कंपनी है जो आभूषणों का लाना ले जाने के कार्य करती है, उसका कार्मिक था। उसके साथ में एक अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किया है वो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहकर जो तस्करी वाला सोना है उसको पकड़वाने का मुखबिरी का कार्य भी कर चुका है पूर्व में, अब तक जो तफ्तीश में आया है ये। इसी तरह जो एक अन्य अभियुक्त तीसरा अभियुक्त जो है वो CISF का बर्खास्त शुदा सब इंस्पेक्टर है। तो ये जो तीनों अभियुक्त हैं ये इस तरह से ये एक तरीके से लूट नहीं है, लूट भी है लेकिन लूट के साथ इन लोगों ने मतलब मुस्किस ने स्वयं ने मुलजिमों के साथ मिलीभगत करके और जिनका माल था उनके साथ वारदात कारित की है। अब इस संबंध में बाकी मुलजिम और माल के हम पतारसी के प्रयास कर रहे हैं और घटना का क्या क्या विभिन्न पहलू रहे, आयाम रहे, इनके बारे में भी गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी अनुसंधान में तथ्य सामने आएंगे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। सर ये रहने वाले कहाँ के थे और क्यों लूट की योजना बनाई थी इन्होंने? लूट की योजना क्यों बनाई थी तो लोभ लालच है और रहने वाले इसमें अभियुक्त जो मुस्तगीस है ये झुंझुनू जिले का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त जो मनोज है वो भी झुंझुनू जिले का रहने वाला है और जो CISF का रिटायर्ड बर्खास्त शुदा टर्मिनेटेड सब इंस्पेक्टर है वो हरियाणा का रहने वाला है। CISF इनको गिरफ्तार कहाँ से किया सर? इनको अनुसंधान के बाद हमने सबने थाने पे ही गिरफ्तार किया सर। अलग अलग जगहों से तीनों जी। इस टीम में लगी हुई सदस्यों को किस तरह पारितोष किया जाए क्योंकि मेहनत उन्होंने की है सर? बिल्कुल बहुत बहुत शानदार काम हुआ है इसमें और ये जो सफलता है इस पूरी बहुत बड़ी लूट की वारदात है, राजस्थान की बहुत बड़ी लूटों में शुमार है। इसमें इतनी त्वरित तरीके से कार्यवाही करके भारी मात्रा में जो भी लूटा गया माल बरामद करना और समयबद्ध तरीके से काम करना ये बहुत अच्छा टीम स्पिरिट का कार्य है और इसमें हमारे जो लोग हैं टीम के जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है इनको उचित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा, उनकी हौसला बढ़ जाएगी। कितनी सर टीम नियुक्त की गई टीम कार्य में? कम मुख्य रूप से 5 टीमें सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी और 5 टीमों को अलग अलग कार्य दिए थे, 5 टीमों ने समन्वय से कार्य किया और सफलता को प्राप्त किया। सर सोना लूटने के बाद ये कहाँ कहाँ गए कुछ पता चल पाया? मुलजिमों ने बहुत सारी जगहों पे फरारी काटी है, दिल्ली में भी फरारी काटी है, अपने राजस्थान में भी फरारी काटी, हरियाणा में फरारी काटी, हिमाचल में इनका एक अभियुक्त जो है CISF का बर्खास्त शुदा सब इंस्पेक्टर उसका वाटर प्लांट है, बहुत बड़ा वाटर प्लांट है, मिनरल वाटर प्लांट है, ड्रॉप ब्रांड नेम से पानी का मिनरल वाटर बनाते हैं वो लोग, तो वहाँ पे भी ये लोग हिमाचल में भी शरण लेने की इन्होंने कोशिश की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ये लोग जहाँ गए वहाँ या तो एडवांस में पुलिस को पाया इन्होंने या ये जहाँ पहुँचे उसके साथ के साथ पुलिस इनके साथ गई, इनके चारों तरफ से घेराबंदी बड़ी कस के की गई। थैंक यू सर। थैंक यू।